अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज अहमद फ्रॉम एबीएस टेक। और यार 2020 की पहली वीडियो मैं लेके आप लोगों के लिए आ गया हूँ। आखिरी G6 वाली वीडियो के ऊपर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं एक LG का और बहुत पाकिस्तान में पॉपुलर फ़ोन आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँ। तो ये है दोस्तों LG का G Pro 2। अब ये फ़ोन पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से स्टॉक के अंदर पाकिस्तान में आया होगा। इस वजह से ये फ़ोन ये पाकिस्तान के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस मिलती रहें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर आप सबसे पहले मैं इस फ़ोन की आपके जब बात करूंगा, तो मैं आपको सबसे पहले इसके बताऊँगा डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर 5.9 का या तकरीबन 6 का आपको 1080p डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये डिस्प्ले IPS है, AMOLED नहीं है। अब आप मेरे से इसका मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये डिस्प्ले बहुत खूबसूरत है। अब ये फ़ोन अपने साइज़ के मुताबिक इसका जो रेजोल्यूशन है वो भी बहुत अच्छा है। आजकल जो नए हमारे बजट फ़ोन्स आ रहे हैं उनके अंदर भी आपको 1080p रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जिनका स्क्रीन साइज़ इससे काफ़ी बड़ा होता है। मैं कुछ बजट फ़ोन ऐसे हैं जो 6.5 इंच तक चले जाते हैं और उनका रेजोल्यूशन 720p होता है। तो अगर आप इसकी बात कर लेते हैं तो इसका डिस्प्ले बहुत प्यारा है, और उस टाइम के लिहाज से LG का अगर आप आज फ़ोन्स को कंपेयर करते हैं तो इसका डिस्प्ले उसके लिहाज से भी बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ हम चले जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, तो वो है बिल्ड क्वालिटी। तो यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर फ्रंट पे आपको गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है, जिससे आपकी प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप प्लास्टिक की बैग की बात कर लें तो ये एक एवरेज बैग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चीप फीलिंग है, लेकिन ज़ाहिर बात है आजकल की ग्लास बैग से ये कंपेयर नहीं करती। और इसका लुक देख लें तो ये काफ़ी स्टेल है, काफ़ी बोरिंग है, इतना इसके अंदर कोई एक्साइटिंग चीज़ तो नहीं है। तो इसके अंदर आपको दो कलर्स देखने को मिल जाते हैं, एक ब्लैक है और एक ये ग्रे कलर है। इसके अलावा अगर कोई कलर है तो मेरी नॉलेज के अंदर नहीं है, अगर है और मैं मिस कर रहा हूँ कोई चीज़ तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी के अंदर अंदर हम इसके अगर बटन्स वगैरह को भी देख लें तो इसका पावर बटन बैक के ऊपर है, जिसके ऊपर एक छोटी सी LED लगी हुई है जो कि आपकी नोटिफिकेशन वगैरह के ऊपर लाइट अप हो जाती है। और इसके वॉल्यूम बटन भी बैक पे हैं। ये उस टाइम का फ़ोन है जिस टाइम LG ये सारी चीज़ें बैक पर रखता था। अब मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये काफ़ी आपका हाथ नेचुरली यहाँ पर सेट करता है। और आजकल के काफ़ी फ़ोन्स ने फिंगरप्रिंट सेंसर को भी यही देखते हुए अपने बैग पे रखा था, जिसकी वजह से ये जो डिज़ाइन है ये टाइमलेस है। अब यार जल्दी जल्दी चले जाएं इसके कैमरे की तरफ, तो मैं इसके कैमरे के बारे में आपको बता देता हूं। इसका बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल है OIS के साथ, और इसके फ्रंट की बात कर लें तो इसके फ्रंट के ऊपर आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लें तो इसकी परफॉर्मेंस बस एवरेज है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी भी बजट फ़ोन को काटता है या किसी भी हाई एंड फ़ोन तक पहुँचता है, लेकिन जिस प्राइस के अंदर आपको ये फ़ोन देखने को मिल रहा है उस प्राइस के अंदर इसका कैमरा एक्सेप्टेबल है। ग्रेट नहीं है, गुड नहीं है, बस एक्सेप्टेबल है। इसके जो वीडियो के अंदर वॉर्म्स हैं वो थोड़ी वीडियो इसकी ज़्यादा वॉर्म है, और उसके लिहाज से कैमरे की जो फ़ोटोज़ हैं वो भी थोड़ी वॉश्ड आउट आती हैं, इतनी कलरफुल नहीं होती। और फ्रंट कैमरा इसका बहुत बुरा है, क्योंकि उस टाइम LG के कैमरे 2 मेगापिक्सल के होते थे, जो रेजोल्यूशन वाइज भी बहुत बुरा है और ओवरऑल इनका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं होता। तो अगर आप अच्छे फ्रंट कैमरे वाला फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर कोई भी ब्यूटी मोड वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए। अब अगर आप बैक कैमरे की बात कर लें तो इसकी परफॉर्मेंस बस एवरेज है, क्योंकि इसके अंदर OIS आपको देखने को मिल जाता है, और उसके लिहाज से ये कैमरा काफ़ी अच्छा है। आपको ये फ़ोन वैसे भी इसी प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा, जो आजकल के बजट फ़ोन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये फ़ोन उसके लिहाज से बहुत अच्छा है। और अगर आप इसकी स्पेक्स वगैरह की बात कर लें तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिहाज से भी जब आप इसको देखेंगे तो इसकी प्राइस टू परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो इसका कैमरा को फॉरगिव किया जा सकता है। यार अब सीधा आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जो कि जिसकी वजह से आप सब लोग LG को प्रेफर करते हैं, वो है स्पेक्स। अब इसकी बात कर लें तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 800 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ आपको 3 GB RAM और 32 GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। अब अगर आप मेरे से पूछें
तो ये प्राइस जिसके अंदर आता है, और अब मैं इसकी प्राइस भी आपको बताता चलूँ, ये फ़ोन आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर किट के अंदर अराउंड 8-1000 रुपए को देखने को मिल जाएगा। और इस प्राइस के अंदर इस फ़ोन को बीट करना काफ़ी मुश्किल है एस्पेक्ट वाइज। ये हर गेम मीडियम सेटिंग्स के ऊपर आपको चला के दे देगा, और वैसे भी डे टू डे इसके अंदर कोई आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। ये करंटली एंड्रॉयड 4.4 पे फिर है, और मेरे ख्याल से इसके अंदर एंड्रॉयड 5 की अपडेट है, लेकिन मुझे श्योर नहीं है। लेकिन अगर आप इसको रूट कर लेते हैं तो आप इसके अंदर एंड्रॉयड 9 तक लेके जा सकते हैं। ये फ़ोन बिल्कुल कैपेबल है कोई भी गेम आजकल की चलाने के लिए। अगर आपका बजट 8-1000 रुपये के अंदर है और आप गेमिंग के लिए फ़ोन देख रहे हैं, तो आपको ये फ़ोन कंसिडरेशन में रखना चाहिए। अब डे टू डे परफॉर्मेंस की बात कर लें तो ये फ़ोन आपको कभी भी कोई भी स्टटर नहीं देगा। उसके अलावा भी इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि ये नॉर्मल आदमी को तो कोई इशू नहीं देगा। ये फ़ोन मैं सिर्फ किसी के घर वालों को नहीं रिकमेंड कर सकते, मैं आपको भी रिकमेंड कर सकता हूँ परफॉर्मेंस वाइज। बस इसका कैमरा जो है वो थोड़ा बिलो एवरेज है आजकल के स्टैंडर्ड से, तो इस वजह से ये फ़ोन जो है इतना अच्छा नहीं है कैमरे के मामले में। अब जो मेन इसका रिस्क है जो आपको देखने को मिल जाता है LG के ऊपर, वो होती है बैटरी लाइफ। अब इसके अंदर 3200 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। अब ये बैटरी देखने में या सुनने में इतनी थोड़ी नहीं लगती, लेकिन अगर आप में से कोई भी LG का यूज़र ऑलरेडी बैठा है तो उसको पता होगा कि LG के अंदर आप बैटरी को कभी भी रिलायबल नहीं कह सकते, और यहाँ पर भी यही केस है। इसकी बैटरी आपको दिन निकाल जाएगी, लेकिन आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी रिस्ट्रिक्शंस रखनी होंगी। मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ कि अगर आपने ये फ़ोन लेना है तो आपकी जेब में एक पावर बैंक या एक एक्स्ट्रा बैटरी भी होनी चाहिए। मैं इन लोगों को रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप एक बैटरी पैक या एक एक्स्ट्रा बैटरी अपने साथ जेब में रखें, ताकि आपकी बैटरी कभी भी डाउन ना हो या आपको कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कोई इस तरह का ना इशू हो जाए जहाँ पे आपकी बैटरी ख़त्म हो जाए। रैप अप करते हुए, क्या मैं ये फ़ोन आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरा आंसर ऑलरेडी पता है कि हाँ, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी मगर मैं लगा देता हूँ कि जिन लोगों को कैमरा अच्छा चाहिए वो इस फ़ोन की तरफ ना देखें, जिन लोगों को बैटरी अच्छी चाहिए वो इस फ़ोन की तरफ ना देखें। उनके अलावा जो भी लोग बैठे हैं और जो रिस्क लेने को तैयार हैं, क्योंकि LG के फ़ोन काफ़ी अनरिलायबल होते हैं, और ये वाला मॉडल बूट लूप्स के भी काफ़ी प्रोन है, तो आपको ये भी देख के लेना पड़ेगा कि आप जो मॉडल ले रहे हैं वो भी ठीक वाला हो। तो इस सब के साथ मैं ये फ़ोन आप लोगों को इस प्राइस के अंदर रिकमेंड कर दूँगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहले LG के साथ फेमिलियर हैं, जिनको LG के रिस्क का पता और ये पता है कि फ़ोन को चेक कैसे करना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरी फ्यूचर वीडियोज़ भी इसी तरह मिलती रहेंगी। 2020 शुरू हो गया है और इस साल के अंदर ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।